मलेशिया में तेंदुए की दहशत बरकरार, ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, किया प्रदर्शन। बता दें कि मंडी धनोरा थाना क्षेत्र के गांव मलेशिया के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में आए दिन तेंदुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद ग्राम प्रधान सहित सारे लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। अभी तक वन विभाग के अधिकारियों ने गांव में पिंजरा नहीं लगाया है। इससे नाराज सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने चौराहे पर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि इस तेंदुए को पकड़कर कहीं और छोड़ा जाए, वरना कोई हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी दहशत में है। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। कौन से गाँव के प्रधान? ग्राम प्रधान मलेशिया। क्या मामला जो है ग्रामीण इकट्ठा हुए? 8-10 दिन से डेली तेंदुआ हमारे गाँव में आ रहा है, और पहले एक बछड़ा उनका चरण सिंह सैनी का मार दिया था, आज एक बछड़ा फिर मार दिया है, और डेली रात को दिखाई देता है शाम के टाइम। क्या मांग है ग्रामीणों की? वन विभाग वालों से मांग है कि अपना यहाँ पिंजरा लगवा में अपना सुरक्षा करें गांव वालों की। कोई नहीं आता वन विभाग वाला? कई बार सूचना कर दी है, मगर वन विभाग वाला भी कोई नहीं आया। शुरू में आए थे पिंजरे के लिए, बोला था, बोले वहाँ से उठा लो, आज जा रहे हैं पिंजरा लेने। देखो।